शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज 30वां दिन है और शर्त के मुताबिक फैसले का हक मुझे दिया गया है। मेरा फैसला है कि आज के बाद मैं आपसे कभी नहीं मिलूंगी। मैं आपसे आगे से नहीं मिलना चाहती हूँ। लेकिन परी दीदी, अचानक ये फैसला क्यों? परी, कुछ बोलना, क्या हुआ? दानी माँ, फैसला सुनाने के साथ वजह देने की तो आपने कोई शर्त नहीं रखी थी। परी, वजह जो भी हो, तुमने जो फैसला लिया है वो सबको मानना ही पड़ेगा। आर्यन, और ये फैसला किसी को मंजूर हो या ना हो, मेरी नजर में तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। ईशाना, दादू, भैया, रोहित, आप सबने हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। हर फैसले की इज्जत की है। मेरी वजह से अगर किसी को दुख पहुंचे तो मैं माफी मांगती हूँ। बस इतना चाहती हूँ कि मेरे इस फैसले में भी मेरे साथ रहे, मेरा साथ ना छोड़े। पापा जी और दादा जी को मेरे नमस्ते कहना, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं जानती हूँ मेरे इस फैसले से उनको बहुत दुख होगा। मेरी ओर से उनसे माफी मांग लीजिएगा। अपना फैसला सुना चुकी है। जो उसका फैसला सुनने आए थे वो जा सकते हैं। धक से रुकी धड़कन, थर्रा गया तन मन, कानों ने ये क्या आज सुन लिया? छन से है कुछ टूटा, कभी नहीं मिलूंगी। पल भर में सब छूटा, कैसे ये
आशियां बिखर गया। आज की दुनिया से कभी नहीं मिलूंगी मैं, जीऊंगा तुम बिन बिखरूंगा मैं पल पल छिन छिन। रुक जा न जाओ साथिया, इतने हम दूर कैसे हो गए हो, दिल को कुछ पता ही ना चला। हाँ दिल को कुछ पता ही ना चला। परी के अचानक ना की वजह मेरी समझ में नहीं आई, पर कोई तो बात होगी जो परी के मुंह से हाँ की बजाय ना निकले। मैं भी जाके उसे पूछता हूँ। नहीं रोहित, तुम उसे कुछ मत पूछना, उसे परेशान मत करना। बस ये हार उसे दे देना। दादाजी ने बहुत बहुत प्यार से दिया है, जिसमें उनका आशीर्वाद है। पर सौम्या, नहीं रोहित, मेरे लिए परी की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो खुश रहे बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिस बात की बिल्कुल कोई उम्मीद ही नहीं थी। मुझे लगा परी की जबान से सिर्फ हाँ निकलेगी, लेकिन उसने तो आज मना कर दिया। इतना प्यार, इतनी वफादारी, कैसे? मॉम आप ही क्या, सभी ने यही समझा था कि परी ना तो कर ही नहीं सकती। मैं अभी तक इतनी हैरान हूँ, ये सब कैसे हो गया कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी आजकल परी के चेहरे पर समय के प्यार का रंग दिखने लगा था, और ऐसे ऐन मौके पर उसने ना कर दी। मॉम आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लग रहा? मॉम आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या हो सकती है? Who cares इसकी वजह क्या होगी खुशी? वजह जो भी हो, मैं कहती हूँ अगर परी इस घर से चली जाती तो ही ठीक होता। जब देखो परी 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 परी, हमारे हक पे हक जमाए बैठी है ये। मैं तंग आ चुकी हूं इससे, पता नहीं कब पीछा छूटेगा इस परी से हमारा। परी है 100 महीने दिया, दादाजी का आशीर्वाद। देखो परी, 100 महीने को तुम्हारे फैसले से कोई एतराज नहीं, वो बस इतना चाहता है तुम जहां रहो, जिस हाल में रहो, बस खुश रहो। दादाजी ने अपना प्यार, अपना आशीर्वाद अपनी बहू के लिए भेजा है, मैं उनकी बहू नहीं हूं। परी क्या कह रही तुम? ये मैं नहीं लूंगी, इसे वापस स्वामी को दे दो।
अपने भैया का फोन क्यों नहीं लग रहा? पता नहीं किस हाल में होंगे, उनका दिल टूट गया होगा। मुझे बहुत चिंता हो रही है भैया की। ऐसा करती हूँ, घर पर फोन लगा कर देखती हूँ। हेलो ईशाना। ईशाना कैसी हो बेटा? बहुत अच्छा लगा कि तुमने फोन किया। मुझे सौम्य भैया से बात करनी है। सौम्य से? सौम्य तो वहीं आया हुआ है ना। ईशाना क्या बात है? सब ठीक तो है। आज 30वां दिन है ना, परी ने अपना फैसला सुना दिया। ना कह दी उन्होंने। ना कह दिया परी ने? बहुत दुख हुआ ये सुनकर, लेकिन सच कहूं तो मुझे हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि ये तो होना ही था। ईशाना देखो बेटा, एक बात अपनी मम्मा की जरूर याद रखना कि कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए गलत फैसला नहीं करती है। किसे फोन कर रही थी? सौम्य को फोन करने की कोशिश कर रही थी ना? क्यों बहुत चिंता हो रही है अपने भाई की? आदित्य, सौम्य भैया के बारे में मुझसे इस तरह बात मत कीजिए। पता नहीं इस वक्त सौम्य भैया किस हालत में होंगे। आखिर भाई बहन का रिश्ता रंग दिखा ही रहा है। हाँ, तभी तो दिल दुख रहा है मेरा। और मैं सिर्फ सौम्य भैया के लिए दुखी नहीं हूं, परी भाभी के लिए भी दुखी हूं। मैं लड़ रही हूं उनके उस सच्चे प्यार के लिए जिसे तुम्हारी नजरें नहीं देख पा रही। सरारा 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 सरारा, हमें एक सरारा सरा। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते आंटी। रोहित आ। आंटी सौम्य है? सौम्य तो नहीं है, बैठो ना। थैंक यू। तुम मुझे कह सकते हो जो तुम्हें कहना है, मैं सौम्य को तुम्हारा मैसेज दे दूंगी। आंटी ये सौम्य ने दिया था परी को देने के लिए, पर परी ने इसे लेने से इनकार कर दिया कहते हुए कि इस पर उसका कोई हक नहीं। बिल्कुल ठीक कहा परी ने। अब इस हार पर उसका कैसा हक? इस खानदानी हार पर तो इस घर की बहू का ही हक होना चाहिए ना। बहुत अच्छा किया परी ने जो इस हार को लौटा दिया। अब देखो ना, सबने कितनी कोशिश की सौम्य और परी को मिलाने की, पर क्या हुआ? वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। परी भी यही मानती है ना। मैं सौम्य को यह हार दे दूंगी। इनफैक्ट मैं तो यह हार उस लड़की को भी दे सकती हूँ जिसे इसे पहनना चाहिए। और कोई मैसेज देना है सौम्य को? नहीं। थैंक यू वेरी मच। वाह सेठानी जी वाह, डायलॉग बोला, मजा आएगा।
सबकी तमन्ना थी सौम्य और परी के मिलन की, पर 30 दिनों में ऐसा अलग किया है दोनों को मैंने कि अगले 30 जन्मों तक एक दूसरे के करीब नहीं आ सकेंगे। पर उसका कैसा हक? इस खानदानी हार पर तो इस घर की बहू का ही हक होना चाहिए ना? आंटी ने ऐसा क्यों कहा? उनका ऐसा कहने के पीछे क्या मतलब था? ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई तो बात है। मैं सौम्य को यह हार दे दूंगी। इनफैक्ट मैं तो यह हार उस लड़की को भी दे सकती हूँ जिसे इसे पहनना चाहिए। काम्या आंटी की बातों से ऐसा लग रहा है जैसे परी की नाक के पीछे उनका ही हाथ हो। मेरे दिल की आवाज गलत नहीं हो सकती। कोई तो बात है, कुछ तो है। काम्या आंटी, इस वक्त कहाँ जा रही हूँ? अरे तुम माँ बनने वाली हो बेटा, अपना ध्यान रखो, आराम करो। मम्मा अब तो आराम ही आराम है। मेरी प्रेगनेंसी की झूठी खबर सुनकर परी और सौम्य तो अलग हो ही चुके हैं।